नमस्कार एडिटर जी, मैं आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जहां का रास्ता सीधे जाता है दिल्ली के तख्त तक। और इस समय हमारे साथ कई चीजें, हम घटनाक्रम भी देख रहे हैं और एडिटर जी पर लगातार हमारी कवरेज भी जारी है इन चुनाव को लेकर के। और अब से हम हर हफ्ते आपके सामने ऐसी शख्सियत लेके आएंगे जो कि चुनाव के महारथी, चुनाव के पोल पंडित, जिन्हें कह सकते हैं पोल पंडित हैं। और ये वो लोग हैं जो यूपी के और तमाम राज्यों की जनता से वोटिंग पैटर्न को करीब से देख रहे हैं और उनके रुझान को आगे पीछे बढ़ते घटते देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सी वोटर के एडिटर यशवंत देशमुख जी का। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर जी में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मोटे तौर पर कुछ आंकड़े बता देता हूँ यशवंत जी, आगे बढ़ने से पहले, ताकि दर्शकों को क्लियर हो जाए कि अभी तक आपने जो यूपी का खासकर किया है उसमें सितंबर का सर्वे था, उसमें 259 से 267 के बीच में बीजेपी को दिखाया गया था और ये घट करके अक्टूबर में 241 से 249 के बीच में हो गया। और फिर इनका जो नवंबर में आया उसमें करीब 213 से 221 सीटों का अनुमान दिखाया गया यूपी में बीजेपी और उनके गठबंधन को, बीजेपी प्लस को। समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो जो पहला सर्वे यशवंत जी के टीम ने किया, एबीपी न्यूज सी वोटर के जो सर्वे है उसमें जो आया वो आया सितंबर में 109 से 117, फिर अक्टूबर में 130 से 138 के बीच में, और अब जो आया नवंबर में वो आया 152 से 160 के बीच में। ठीक इसी तरीके से बीएसपी का सर्वे इन्होंने किया है, वो आया है जो पहला सितंबर का सर्वे था, 12 से 16 सीटें दी हैं, अक्टूबर में 15 से 19 सीटें, और कमोबेश वही रहा है, नवंबर में 18 सीट के आसपास दे रहे हैं। कांग्रेस का हाल इनके मुताबिक सर्वे में सितंबर में 3 से 7 है, वही 3 से 7 अक्टूबर में है, नवंबर आते आते एक सीट का इजाफा है, 8 सीटें करीब इन्होंने रुझानों में दिखाया है कि इस तरीके आ सकती हैं। इस वक्त आपकी नजर में, आपका जो तजुर्बा और आपका ट्रैकर है वो, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के कानून वापस लेने का क्या असर पड़ेगा, खासकर वेस्टर्न यूपी में, हर प्रदेश में जाट लैंड? देखिए, कोई उससे कोई बहुत बड़ा रिवर्स गियर लग जाएगा ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है डॉक्टरी भाषा में कि ब्लीडिंग रुक जाएगी या हेमरेज रुक जाएगी, यानी जो खराब स्थिति और होती जा रही थी वो स्थिति जरूर डेफिनेटली रुक जाएगी। दूसरी बात, एक बड़ी अजीब सी चीज जो देखने में आ रही है वो ये कि यूपी एक तरह से बाइपोलर सा होता जा रहा है। मसलन 2019 में हमने देखा सपा और बसपा का गठबंधन था, महागठबंधन ने करीबन 40% वोट पाए थे और ये 40% माना जाता है जैसे 20% दोनों की बराबरी के वोट आए। अब अगर ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो आइडियली दोनों को 20-20 मिलने चाहिए थे, वैसे हमारे ट्रैकर में साफ दिखाई दे रहा है ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल ये 40 का जो दोफाड़ हुआ वो 20-20 ना होकर के 30 और 10 का दोफाड़ हुआ है, जिससे एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि यूपी का कंटेस्ट बाइपोलर हो रहा है, यानी जो एंटी बीजेपी वोट है उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी को कोई लड़ाई दे सकती है कोई ताकत तो वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस दे सकता है, और इसलिए वो एक बड़ा पोलराइजेशन उनके पक्ष में हुआ। और इसीलिए जो बड़ा अंतर रोहित आया है कि जब हमने, अगर आप एक साल पहले के ट्रैकर के आंकड़े देखे तो बीजेपी और सपा के बीच में 15% का गैप था, लेकिन अभी खत्म होते होते वो गैप जो है मुश्किल से 7% का रह गया है। इसीलिए बीजेपी की जो टैली है वो सिकुड़ती जा रही है, समाजवादी की बढ़ रही है, जबकि बीजेपी के खुद के वोटों में वैसा बहुत बड़ा गिरावट दर्ज नहीं हो रही, मतलब बीजेपी का अभी भी थ्रेशोल्ड 40% के आसपास लगातार बना हुआ है। तो अब यहां से जो ट्रैकर में देखने वाली बात है वो ये कि क्या जो 20% से बढ़ के समाजवादी पार्टी 30% तक पहुंची, 30-31 जो भी आप कह लीजिए, क्या अब इसके बाद में वहां से वो 5-7% और ऊपर जा सकती है या नहीं, ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। अंतर केवल ये है रोहित वहां पे कि उनको ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि अब जो बेंचमार्क है सत्ता का वो 30 रहा नहीं है, वो बेंचमार्क 40 का हो गया है। तो दो ही चीजें करनी जरूरी है, या तो बीजेपी खींच के 40 से नीचे आए या इनकी सीढ़ी बढ़ के वो ऊपर जाकर के 40% को ये क्रॉस करें। बड़ा अच्छा, आपने मैं इसमें बीच में आपको जल्द रोक रहा था कि जब शुरू के आपके जो मैंने देखे पोल तो उसमें आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से वोट नहीं आ रहा है, वो बढ़ा जरूर है लेकिन वो जो 3% सोच रहे थे कि बीजेपी का टूट केस ना वो नहीं आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो रहा है शुरुआत में, जब हम सितंबर की बात करें, सितंबर की, अक्टूबर की। अब उस समीकरण में आप कह रहे हैं कि बदलाव आ गया, जनता को यकीन होने लगा है कि भाई ये अल्टरनेट दे सकते हैं, ये सरकार हमारी बना सकते हैं, तो हम उस तरफ देखें।
अच्छा जी, अपोजिशन वोट जो है, अपोजिशन वोट को खासतौर पे, और बहुजन समाज पार्टी की यानी मुस्लिम वोट जो बीएसपी को खासतौर पे जो मुस्लिम वोट जाता था उसको सबसे ज्यादा ये लगने लगा कि बीएसपी के क्रेडेंशियल्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते। बीएसपी या तो सपा को हराने में कारगर होगी या हो सकता है बीजेपी के साथ भाग जाए, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी के दो तीन बार एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, उनके रिकॉर्ड में है ये बात। तो इसलिए वेस्ट बंगाल की तरह से रोहित आप ये मान के चलिए कि माइनॉरिटी वोटर्स में तो कोई संशय या डिवीजन है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। इस बार जैसे एक तरफा ब्लॉक पूरा वो समाजवादी पार्टी के लिए जाएगा, और उसके अलावा भी जो नॉन माइनॉरिटी बाकी भी जो मतदाता है जो एंटी बीजेपी है उन लोगों को भी अब ये लगता है कि शायद सपा ही ज्यादा बेहतर, सपा और आरएलडी। आरएलडी में इस पर अलग से बात करना चाहूंगा, क्योंकि सारी लाइमलाइट दरअसल सपा के ऊपर चली गई, जबकि सच्चाई है कि जो वोट सीट शेयर में जो आप गिरावट देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आरएलडी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं की नाराजगी और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को जो धक्का लगता हुआ दिख रहा है उसका कैटलिस्ट तो आरएलडी है, वो समाजवादी पार्टी कैटलिस्ट नहीं है। तो वो गठबंधन के कारण वो इतना बड़ा जंप दिख रहा है उनके उसमें, लेकिन दरअसल वो बंप जो आ रहा है वो आरएलडी के कारण। मुस्लिम फैक्टर में बेगानी शादी में वो ऐसी दीवाना टाइप का लग रहा है यहाँ पे कि उनको कुछ हिसाब नहीं होने वाला यहाँ पे तो शादी। पश्चिम बंगाल में रोहित देखा ना, पश्चिम बंगाल में जब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट तक निपट गए मुर्शिदाबादपुरी बेल्ट में, जो कि उनका ऐतिहासिक गढ़ था, जहां पे आप मोटे तौर पे मानिए कि करीब 25-26 सीट कांग्रेस की और उतनी सीटें लेफ्ट की, उस पूरी बेल्ट में वो मान लिया जाता था कि यहाँ पे और कोई जीतना नहीं, और ये मान के चला जा रहा था कि भाई ये तो एंटी बीजेपी है तो इनसे क्यों नाराजगी होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक जब क्लियर क्लैरिटी के साथ में वोट करना चाहती है तो पूरे तौर पर उन्होंने कर दिया, लेफ्ट और कांग्रेस को भी वहां पे बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर दिया। यूपी में लगता है आपको पब्लिक उतनी क्लैरिटी है जितनी पश्चिम बंगाल में होगी थी जनता को? माइनॉरिटी वोटर्स को तो बिल्कुल क्लैरिटी है, नहीं मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स, मेजॉरिटी तो नहीं, मेजॉरिटी इसलिए नहीं मैं बताऊं, क्योंकि जो 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 हिंदू मतदाताओं में अगर आप जो जातिगत समीकरण देखेंगे उसका एक अपना इम्पैक्ट है रोहित, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मायावती जी की पार्टी के वोट अगर वो 20% से घट करके अभी 12-13 के आसपास ट्रेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब उनके कोर मतदाता उनके पास में, कोर से मतलब ये है जाटव मतदाता जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये जाटव मतदाताओं की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बाद में कोई सोचे कि ये जाटव मतदाता भी एंटी बीजेपी प्लेटफॉर्म पे समाजवादी को पार्टी को पड़ जाएंगे तो वो सही समझ यूपी की ग्रास रूट की नहीं रखते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर भी रोहित बहुत हल्ला मचा, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, बड़ा नैरेटिव आने वाला है, बड़ा ना मैं दोनों चीजें मिला के इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आपके दर्शकों को शायद पता भी होगा, बहुत सारे दर्शकों में आपके, देखिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाता का एक मिजाज है, वो मिजाज क्या है, वो मूलतः बीजेपी का वोटर है, जब बीजेपी से वो नाराज होता है तो वो मुंह सुजा करके गुस्से में घर बैठ जाता है, ये है, लेकिन वो दूसरी पार्टी को नहीं जाता। उसमें केवल एक डेविएशन आया था, वो 2007 में आया था जब उसने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को निकल के वोट दे दिया था, और उसका कारण क्या था, बीएसपी रेस, बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह रेस के बाहर थी और वो समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए ब्राह्मण मतदाता निकल के मायावती के खाते में चला गया था। तो इससे आप अंदाजा क्या लगाना चाहिए आपको कि मूलतः ब्राह्मण वोटर अनलाइकली है कि वो किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, तो वो या तो बीजेपी को देगा या घर बैठेगा, या अगर समाजवादी पार्टी को कहीं कहीं सीट पे हराने में उपयोगी कैंडिडेट उसको लगा कि मायावती या कांग्रेस का भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत वोट निकल के उधर चला जाएगा। लेकिन यानी जो आप बोल रहे, आप कह रहे हैं कि बीच में जो नैरेटिव चलाया गया, कुछ ने कहा साजिशन कहा गया जो भी, कि भाई ब्राह्मण और क्षत्रिय का यहाँ पे 36 का आंकड़ा हो गया है, ठाकुरों को बहुत फेवर हो रहा है और ब्राह्मणों के शूट आउट हो रहे हैं और ब्राह्मण परेशान है, बीच में कुछ जगह प्रदर्शन भी हुए कुछ चीजों को लेकर के, ये नैरेटिव पूरी तरह फॉल्स है अभी तक आपके ट्रैकर के हिसाब से? अर्ध सत्य है ये, अर्ध सत्य इसलिए क्योंकि ब्राह्मण नाराज है ये सत्य है, लेकिन ब्राह्मण नाराज होकर के समाजवादी पार्टी को चला जाएगा ये सत्य नहीं है। हाँ, फलादेश उसका ये नहीं आ रहा है। हाँ, ये नहीं आ रहा है। तो उसके कारण क्या है कि उसी तरीके से कोर वोटर में जब आप जाते हैं बीएसपी के, तो वही जाटव मतदाताओं का है, जाटव मतदाता बीएसपी को वोट डालेगा, बीएसपी को वोट नहीं डालेगा तो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कहीं कहीं बीजेपी डाल देगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी नहीं जाएगा।